Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि रावण का महल इतना भव्य था कि दुनिया के सारे ऐशो आराम उसके सामने बेकार थे। उसके बावजूद भी माता सीता का हरण करने पर उसने उन्हें अपने भव्य महल में रखने के बजाय बाहर अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? दरअसल ऐसा रावण ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक श्राप के डर की वजह से किया था। ये श्राप जीवन भर रावण को डराता रहा और आखिरी में उसके निधन का कारण भी बना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार की बात है, स्वर्ग के अप्सरा रंभा कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही थी। रास्ते में रावण ने उसे देखा तो वो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। रावण ने गलत नियत के साथ रंभा को रोक लिया। रंभा ने हाथ जोड़कर रावण से उसे छोड़ने की प्रार्थना की। रंभा ने कहा कि वो कुबेर देव यानी कि रावण के सौतेले भाई के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही है, उस नाते वो उनकी पुत्र वधु के समान है। लेकिन रावण पर उनकी इस प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ और जबरदस्ती करते हुए अपने महल में ले गया। वहाँ पर रावण ने मनमानी करते हुए रंभा का चीरहरण किया। जब वो इस बात की सूचना नल कुबेर को मिली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में अगर रावण ने किसी भी पराई स्त्री को बिना उसके स्वीकृति के बिना अपने महल में रखा या फिर दुराचार किया तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। और यही वो श्राप था जिसके चलते रावण जीवन भर डरता रहा और चाह कर भी माता सीता को अपने महल में ले जाने या फिर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने देवी सीता को महल से दूर अशोक वाटिका में रखा और लगातार उन्हें मानसिक रूप से परेशान करके विवाह के लिए दबाव बनाता रहा, जबकि देवी सीता पर उसके इन प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ा और अंत में रावण को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.